दुमातुल जंदल दमश्क और मदीना के दरमियान जबले तय के करीब एक किला था। दमश्क से इस किले का फासला 7 मंजिल था। अकैदर ईसाई था और कबीला कंदा से ताल्लुक रखता था। नाजरीन, दुमातुल जंदल का वाकया इस वजह से भी बेहद मशहूर है कि इस वाकये के सिलसिले में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई की थी वो हर्फ बहर्फ सही साबित हुई थी। जनाब खालिद बिन वलीद 420 सवारों के साथ दुमातुल जंदल के ईसाई हाकम अकैदर बिन अब्दुल मलिक की तरफ रवाना होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ऐ खालिद, जब तुम दुमातुल जंदल पहुंचोगे तो वहां हाकम अकैदर तुम्हें गाय का शिकार खेलते हुए मिलेगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबाने अतहर से ये बात सुनी और गिरा में बांध ली। इन्हें याद था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे मौता के मौका पर भी एक पेशीन गोई फरमाई थी जो पूरी होकर रही थी। ये पेशीन गोई इस तरह हुई थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौता के ईसाई हाकम शर्जील बिन उमरु गसानी के खिलाफ ज़ैद बिन हारसा की सरकर्दगी में एक मुहिम इस वजह से रवाना फरमाई थी कि इस बदबख्त ने कासद रसूल हारस बिन उमैर को बिला वजह कत्ल करा दिया था। चुनांचे जब यह मुहिम रवाना होने लगी तो जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि दौराने जंग ज़ैद शहीद हो तो जाफर तैयार अमीर लश्कर हों, और वो भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा सरदार होंगे। नाजरीन, इस लश्कर में हजरत खालिद बिन वलीद भी शामिल थे। शर्जील को इस्लामी लश्कर के आने की खबर मिली तो उसने फौरन कैसर रूम से कमक तलब कर ली। कैसर का लश्कर ईरान से जंग करके वापस आ रहा था और इस वक्त मौता के करीब मौजूद था। शर्जील की दरखास्त पाते ही कैसर ने लश्कर को शर्जील की कमक पर रवाना कर दिया। इस्लामी लश्कर कैसर से जंग के लिए नहीं शर्जील की गोश शुमाली के लिए भेजा गया था, इसलिए सिर्फ 3,000 लश्करियों पर मुश्तमिल था। ज़ैद बिन हारिस जब मौता पहुंचे तो इनके मुकाबले पर 2 लाख से ज्यादा रोमी लश्कर मौजूद था, मगर इन्होंने पीठ धकाने की बजाय जंग का फैसला किया और इस मुख्तसर फौज के साथ रोमियों पर हमला कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि रोमी लश्कर ने इस्लाम के मुजाहिदीन को चारों अतराफ से घेर लिया। ठीक उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने पास मौजूद सहाबा को जंगे मौता का हाल सुना रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद शहीद हुए, अलम जाफर तैयार के हाथ में आया, अब जाफर तैयार भी शहीद हुए और अलम अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में है। फिर आपने अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत का ऐलान फरमाया और अरशाद हुआ, अब झंडा सैफ मन सयूफुल्ला यानी अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने संभाला है, अल्लाह ने उसके हाथ में फतह दी है। उस दिन से हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्ला के लकब से मशहूर हुए। चुनांचे इस मौके पर भी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अकैदर इन्हें गाय का शिकार खेलते हुए मिलेगा तो जनाबे खालिद ने यह बात अपने जहन में बिठा ली। इन्हें यकीन कामल था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया है बिल्कुल इसी तरह होगा। जनाब खालिद बिन वलीद अपने सवारों के साथ दुमातुल जंदल के करीब पहुंचे तो रात का वक्त था। यह चांदनी रात थी, साफ और शफाफ चांदनी में दूर दूर तक सब कुछ नजर आ रहा था। दुमातुल जंदल का किला भी दूर से नजर आ रहा था। जनाब खालिद ने घोड़े की रासें खींच ली, तमाम सवार रुक गए। आपने कहा, हम रात किसी महफूज मकाम पर गुजारेंगे और हमारे जासूस किला दुमातुल जंदल के गिर्द चक्कर लगाकर ये देखेंगे कि सुबह को किस मकाम से हमला किया जाए ताकि किला पर जल्द कब्जा हो सके। करीब ही एक जंगल था, खालिद बिन वलीद अपने सवारों के साथ वहां पहुंचे और जंगल के किनारे खेमे लगा दिए। इधर से फारग होने के बाद जनाब खालिद बिन वलीद ने अपने खास आदमी यानी इब्ने हातम को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि किला की तरफ जाओ, घोड़े को कुछ दूर छोड़कर किले की फसीलों और किले पर पहरे के इंतजामात को गौर से देखो और वापस आ जाओ। तुम्हारे वापस आने पर ही सुबह हमले का प्रोग्राम तय किया जाएगा। नाजरीन, इब्ने हातम घोड़े पर सवार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता किले की तरफ रवाना हुआ। हाकिम किला अकैदर बिन अब्दुल मलिक बेखबर सो रहा था कि उसकी बीवी ने उसे जगा दिया। वो हड़बड़ा के उठ बैठा, आंखें मलते हुए बोला, नेक बख्त इस वक्त जगाने की क्या वजह है, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? उसकी बीवी ने जवाब दिया, नहीं, डर तो नहीं लग रहा, लेकिन खतरा जरूर महसूस हो रहा है। अकैदर ने चौंक कर पूछा, किस तरह का खतरा? उसकी बीवी ने किले के सदर दरवाजे की तरफ इशारा किया।
उधर से ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे कोई सदर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो। उसी वक्त अकैदर की मुलाजमा भागती हुई ख्वाबगाह में आई। अकैदर की बीवी ने पूछा, क्या बात है, तू इस वक्त घबराई हुई क्यों है? मुलाजमा ने हांफते हुए बताया, मालकन, सदर दरवाजे का बड़ा मुहाफ़िज़ आया है और ये खबर लाया है कि एक जंगली गाय ने किले पर हमला कर दिया है। अकैदर गुस्से से चीख कर बोला, क्या बकवास कर रही हो, तो पागल तो नहीं हो गई? मुलाजमा लरजते हुए बोली, मैं क्या जानू मालिक, मगर बड़ा मुहाफ़िज़ यही कह रहा है। अकैदर बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया, मैं खुद जाकर देखता हूँ, यह कहकर वो अपने जिस्म पर हथियार सजाने लगा। उसकी बीवी ने घबराते हुए लहजे में कहा, अकैदर तुम कहाँ जा रहे हो? आज तक यह नहीं सुना गया कि किसी जंगली गाय ने किसी किले पर हमला किया हो। अकैदर ने तलवार संभाल कर कहा, तुम बेकार परेशान हो रही हो, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि क्या मामला है। अकैदर बाहर जाने लगा तो उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरा जी बहुत डर रहा है, अकैदर तुम ना जाओ, यह जरूर कोई बला है, तुम इत्मीनान से सो जाओ। अकैदर ने झटका देकर उसका हाथ छुड़ा लिया, अगर वो कोई बला है तो भी उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, यह कहता हुआ वो बाहर निकल गया। बाहर मुहाफ़िज़ मौजूद था। अकैदर ने गुस्से में पूछा, तूने अपनी आंखों से देखा है कि वो गाय है? मुहाफ़िज़ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी हाँ मेरे आका, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक जंगली गाय गुस्से के आलम में किले के दरवाजे को टकरे मार रही है। अकैदर की समझ में कुछ ना आया, वो आगे आगे और मुहाफ़िज़ पीछे पीछे दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए दरवाजे पर पहुंच गए। अकैदर फौरन सीढ़ियां चढ़ के बुर्ज पर पहुंचा और नीचे झांकने लगा। मुहाफ़िज़ का बयान बिल्कुल सच्चा था, एक जंगली गाय गुस्से से डकराती और मुंह से झाग उड़ाती, कभी दरवाजे को टक्कर मारती तो कभी पैरों से जैसे ठोकरे मार रही थी। अकैदर ने यह देखा तो चकरा कर रह गया। उसी वक्त उसका एक भाई हसान भागता हुआ अकैदर के पास पहुंचा। हसान ने पूछा, क्या बात है अकैदर भाई, ये दरवाजे पर खटखटाहट की आवाजें क्या हो रही हैं? अकैदर ने कहा, तुम खुद ही देख लो। हसान ने झांक कर देखा तो वो भी हैरान रह गया। बड़ी अजीब बात है, आज तक ऐसा कभी देखा ना सुना। उसी दम करीब खड़ा मुहाफ़िज़ चीखा, आका देखिए, गाय वापस जा रही है। अकैदर और हसान दोनों ने इधर देखा, गाय वाकई वापस जा रही थी, मगर डकराती हुई और मुंह से झाग उड़ाती हुई। अकैदर बोला, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा सरदार भाई, हसान भी उसके पीछे लपका। नीचे पहुंच के उसने अकैदर से कहा, सरदार भाई, जंगली जानवर के पीछे अकेले जाना अच्छा नहीं है, आप सवारों के दस्ते के साथ बाहर निकलिए। अकैदर की समझ में भाई की बात आ गई, उसने रुक कर सवारों के दस्ते को तैयार होने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में 500-600 सवार तैयार होकर आ गए। इसी वक्त सदर दरवाजे पर फिर चोटें पड़ना शुरू हो गई। ऊपर से मुहाफ़िज़ ने चिल्लाकर कहा, आका अभी बाहर ना निकलिएगा, पागल गाय फिर वापस आ गई है। अकैदर और हसान हैरान रह गए, ये गाय तो वाकई कोई बला मालूम होती थी। कुछ देर के बाद गाय टकरे मारकर फिर वापस चली गई। इस वक्त अकैदर दरवाजा खोल के बाहर निकला, उसके साथ 500 सवारों से ज्यादा मुहाफ़िज़ों का एक मजबूत दस्ता था। मुहाफ़िज़ ने ऊपर से बताया, आका गाय का रुख जंगल की तरफ है। चुनांचे अकैदर भी अपने सवारों को लेकर जंगल की तरफ बढ़ा। इसी दौरान इब्ने हातम, जिसे जनाब खालिद बिन वलीद ने किले के मुआयने के लिए भेजा था, चक्कर लगाता हुआ सदर दरवाजे के करीब पहुंच गया। उस वक्त पागल गाय किला दुमतुल जंदल के दरवाजे पर टकरे मार रही थी। इब्ने हातम ने कुछ देर तो यह तमाशा बड़ी दिलचस्पी से देखा, फिर वहां से दौड़कर घोड़े के पास आया, जिसे वो फसील से कुछ दूर बांध के आया था। वो घोड़े पर सवार होके भागम भाग जनाब खालिद बिन वलीद के पास पहुंचा। सरदारे मौजम, इब्ने हातम ने घोड़े से उतरते हुए कहा, मैं इस वक्त एक अजीब तमाशा देखकर आ रहा हूं। कैसा तमाशा? खालिद बिन वलीद ने सवाल किया। कहां देखा तुमने? सरदारे मौजम, इब्ने हातम ने सांस संभालते हुए कहा, क्या आपने कभी देखा या सुना है कि कोई जंगली गाय किसी किले के दरवाजे को टकरे मारती हो? क्या कह रहे हो इब्ने हातम? जनाब खालिद बिन वलीद को उसकी बात पागलों की सी मालूम हुई। तुम होश में तो हो? सरदारे मोहतरम, इब्ने हातम ने जोर देकर कहा, कसम ले लीजिए, मैं अपनी आंखों से एक जंगली गाय को किला दुमतुल जंदल के दरवाजे पर टकरे मारते हुए देखकर आ रहा हूँ। जरा देर के लिए जनाबे खालिद भी हैरान हुए, फिर इन्हें जैसे कुछ याद आ गया, बोले, सुनो इब्ने हातम, तुमने किसी को गाय का शिकार करते हुए तो नहीं देखा? सरदारे मोहतरम, मैंने गाय को तो देखा,
मगर किसी शिकारी को नहीं देखा। आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही पूछा था। जनाब खालिद बिन वलीद बात को टाल गई। वो अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशीन गोई का इजहार नहीं करना चाहते थे। इसी वक्त एक पहरेदार ने आकर इतला दी, सरदार किले से लातदाद सवार निकलकर इस तरफ आ रहे हैं। ये किसी मुमकिन खतरे की निशानदेही थी। जनाब खालिद बिन वलीद ने फौरन अपने रसाले को तैयार होने का हुक्म दिया और खुद लपक कर घोड़े पर सवार हो गए। इब्ने हातम उनके साथ साथ था। इन्होंने आगे बढ़कर देखा तो हैरान रह गए। सामने से एक जंगली गाय भागती हुई चली आ रही थी और उसके ताकब में सैकड़ों सवार घोड़े उड़ाते हुए आ रहे थे। जनाब खालिद के कान में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजी, दुमतुल जंदल का हाकम अकैदर तुम्हें गाय का शिकार खेलते हुए मिलेगा। जनाब खालिद ने लगामें खींच के इब्ने हातम से कहा, संभल जाओ इब्ने हातम, ये कोई और शिकारी नहीं बल्कि अकैदर बिन अब्दुल मलिक अपने सवारों के साथ आ रहा है, इसे यहीं पर घेरना होगा। उस वक्त तक खालिद बिन वलीद के तमाम सवार तैयार होके घोड़ों पर सवार हो चुके थे। खालिद बिन वलीद ने अल्लाह अकबर का फलक शगाफ नारा लगाया और घोड़े का रुख आने वालों की तरफ फेर दिया। अल्लाह अकबर का नारा सुनकर अकैदर और उसके सवार रुक गए। शफाफ चांदनी में दोनों लश्कर एक दूसरे को देख सकते थे। अकैदर ने अपने सवारों को नीम दायरे की शक्ल दी, फिर वो भी घोड़े को आगे बढ़ाता हुआ जोर से चीखा, हमला कर दो। दोनों तरफ के सवारों के दरमियान फासला बहुत कम था, इसलिए वो जल्द ही एक दूसरे से गुत हो गए। थोड़ी देर की जंग के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने अकैदर पर काबू पा लिया और उसने हथियार डाल दिए। उसका भाई हसान जंग में मारा गया। हजरत खालिद ने अकैदर की जान बख्शी इन शरायत पर की कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपकी इताअत कबूल करेगा और जजिया के तौर पर 2000 ऊंट, 800 घोड़े, 400 जरहे और 400 नेजे देगा। अकैदर ने यह शरायत कबूल कर ली। खालिद बिन वलीद ने खम्स निकाल कर माले गनीमत लश्करियों में तकसीम कर दिया। इसके बाद वो अकैदर के दूसरे भाई मसाद, जो किले में था, और जजिया की मजकूरा चीजें लेकर तबूक रवाना हुए। नाजरीन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में अब तक ठहरे हुए रोमी लश्कर का इंतजार कर रहे थे। खालिद बिन वलीद ने वहां पहुंचकर अकैदर को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश किया। अकैदर ने जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात कबूल कर ली, हदिया पेश किया। आपने उसका हदिया कबूल करके उसकी सुलह कबूल कर ली और उसके भाई की जान बख्शी फरमा दी। उसके साथ ही आपने अकैदर को अपनी मोहर लगाकर एक तहरीर अता की जिसमें दर्ज था कि अकैदर को जान की अमान दी गई है और शरायत सुलह भी उसमें दर्ज थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से अपने लश्कर के साथ मदीना वापस आ गए। खालिद बिन वलीद आपके साथ ही थे। मदीना पहुंच के इब्ने हातम को कुछ सुकून हुआ। उसके आने से नोहना की गुलशने हयात में फिर बहार आ गई थी, मगर मुजाहद की जिंदगी तो हर दम नोके शमशीर पर रहती है। इब्ने हातम अगरचे घर पर अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रह रहा था, मगर उसके दिल में एक बेचैनी सी रहती थी। फिर उसकी ये बेचैनी उस वक्त खत्म हो गई जब लश्कर इस्लाम के खेमागाह से उसे बुलावा आया। हजरत खालिद बिन वलीद ने इसे फौरी तौर पर तलब किया था। इन्हें नजरान जाने का हुक्म मिला था और वो इब्ने हातम को अपने साथ ले जाना चाहते थे। नोहना और उसके वालदान के दिल तो इस बुलावे पर धड़कने लगे थे, मगर इब्ने हातम के लिए यह खबर एक मजदाए जाने फिजा थी। दरअसल लश्कर इस्लाम का हर फर्द मैदान जंग में दुश्मन से लड़ने को ही अपनी जिंदगी की मेराज समझता था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को रबीउल अव्वल और बाज़ रवायतों के मुताबिक जमादी उस्सानी 10 हिजरी में 400 मुसलमानों के साथ बनू हारस बिन काब की तरफ नजरान जाने का हुक्म दिया था। इस मुख्तसर लश्कर को रुखसत करते वक्त जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को ताकीद फरमाई कि बनू हारस बिन काब के लोगों से जंग करने से पहले इन्हें 3 मरतबा दावत इस्लाम देना। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो इनमें रहकर इन्हें किताबुल्लाह, सुन्नत नबी और अहकाम इस्लाम की तालीम देना। हाँ, अगर वो इनकार करें तो फिर इनसे जंग करना। जनाब खालिद बिन वलीद हुक्मे रसूल पाकर अपने फौजी दस्ते के साथ नजरान पहुंचे। वहां पहुंच के इन्होंने पहले इब्ने हातम को पोशीदा तौर पर बनू हारस के मजहबी ख्यालात मालूम करने के लिए भेजा। इब्ने हातम ने वापस आकर बताया कि बनू हारस नरम दिल है और इस्लाम के बारे में कुछ बातें जानते हैं।
अगर इनमें तबलीग की जाए तो वो जरूर मुसलमान हो जाएंगे। बस जनाबे खालिद बिन वलीद ने लश्कर को आबादी से दूर रखा और चंद लोगों को अलग अलग ग्रोहों की सूरत में निजरान की आबादी में फैला दिया। ये लोग जा बजा कहते फिरते थे कि ऐ बनू हारस, इस्लाम ले आओ तुम महफूज हो जाओगे। नाजरीन, थोड़ी सी कोशिश से ही तमाम कबीला इस्लाम ले आया। खालिद बिन वलीद ने फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वहीं क़याम किया और इन्हें किताब अल्लाह, सुन्नत नबवी और अहकाम इस्लाम की तालीम देना शुरू कर दी। इसके साथ ही इन्होंने जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त के जरिए इस्लाम कबूल करने की इतला दी। इनके इस खत के जवाब में जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लिखा कि वो बनू हारस का एक वफद हमरा लेकर मदीना आए। जनाब खालिद बिन वलीद उनके एक वफद के साथ मदीना पहुंचे और इस वफद को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफद से सवाल किया, जमाना जाहिलियत में जो कोई तुमसे लड़ता था वो तुम पर फतह हासिल ना कर पाता था, बल्कि फतह तुम्ही को हासिल हुई थी, इसकी वजह? वफद ने जवाब दिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इकट्ठे होकर जंग करते थे, हम में कभी तफरका पैदा ना होता था, दूसरा यह कि हम कभी भी जुल्म की इब्तदा ना करते थे। नाजरीन, तारीख तबरी में एक रवायत मजकूर है कि जनाब खालिद को 10 हिजरी में तबलीग इस्लाम के लिए यमन भेजा गया था। खालिद बिन वलीद 6 माह यमन रहे मगर एक शख्स भी उनके हाथ पर मुसलमान ना हुआ। इसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली मुर्तजा को यमन भेजा। इनके जाने का यह असर हुआ कि लोगों ने धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। नाजरीन, ये वही जमाना है जब दूसरी तवारीख में हजरत खालिद बिन वलीद को नजरान भेजने का जिक्र है। अगर ये सोचा जाए कि तबरी ने नजरान की बजाय गलती से यमन लिख दिया है तो भी ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि नजरान में तो कबीला बनू हारस वाले उनके हाथ पर ईमान ले आए थे। अब अगर ये समझा जाए कि खालिद बिन वलीद को पहले यमन और बाद में नजरान भेजा गया तो ये बात अकली और नकली दोनों सूरतों से दुरुस्त मालूम नहीं होती, क्योंकि जब हजरत खालिद बनू हारस को मुसलमान करने में कामयाब रहे तो ये कैसे मुमकिन है कि वो यमन में कामयाब ना होते। इसके अलावा एक ही वक्त में खालिद बिन वलीद का यमन और नजरान दोनों जगह पर मौजूद होना एक नामुमकिन सी बात है। नाजरीन, हजरत खालिद बिन वलीद ने हयात रसूल में जो कार हाय नमाया सर अंजाम दिए, इनसे ही मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाबे खालिद पर किस कदर एतमाद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद को ना सिर्फ उनके आबाई आजाज पर बरकरार रखा बल्कि बेशतर मौके पर इन्हें मकदमतुल जैश की सरदारी अता फरमाई। चुनांचे हजरत खालिद बिन वलीद खुद फरमाते हैं कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सहाबा से कभी अलग नहीं रखा। दूसरे सहाब को खिदमत के जो मौके दिए गए वो मुझे भी दिए गए। हजरत खालिद बिन वलीद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर गजवे और सफर में हमरा रहे और इन्होंने जहाद फी सबीलिल्लाह और तबलीग इस्लाम की अजीम शान मसाले कायम की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात अकदस के बाद भी हजरत खालिद बिन वलीद के जहाद और तबलीग इस्लाम का सिलसिला इसी तरह जारी रहा और दीन की नुसरत और अलाए कलमतुल हक की खातर आपने जो शानदार कारनामे अंजाम दिए वो तारीख इस्लाम का एक रोशन बाब है। नाजरीन, अब तक जनाब खालिद बिन वलीद के जो जंगी कारनामे बयान किए गए हैं, इनका ताल्लुक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका तक था, जिसे हम दौरे अव्वल का नाम देते हैं, क्योंकि आपकी बेमिसाल जंगी सलाहियतों का सिलसिला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद भी जारी रहा। इसका जिक्र हम दौरे सानी में करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर पहला हिस्सा ख़त्म किया जा रहा है।